हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑल टाइम क्लासेस सांडपुर चैनल पर। दोस्तों, मैं संजय तोमर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। और आपके लिए हमने जो यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस का जो स्पेशल बेंच स्टार्ट किया है उसकी एक क्लास लेकर आया हूं। आज उसकी क्लास देख ली जाए तो दोस्तों, यानी वॉल्यूम की थर्ड क्लास है। कौन सी है? वॉल्यूम की थर्ड क्लास है। तो जैसे ही दोस्तों ये क्लास तकरीबन आज में भी इसके बाद शायद एक क्लास और बन सकती है, जहाँ तक उम्मीद, वॉल्यूम ख़त्म होने के बाद फिर 7 से 8 दिन में आपकी मैथ की भी पूरा सिलेबस फिनिश हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो दोस्तों इसकी इस चैप्टर की जो बेसिक क्लास बनाई है हमने, प्लीज़ वो ज़रूर देख लीजिए, ठीक है ना। बेसिक क्लास स्टार्टिंग में जो बनाई गई, प्लीज़ उस क्लास को आप ज़रूर देख लीजिए। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के विचार से। आज का विचार क्या है? नाम और पहचान चाहे छोटी हो, नाम और पहचान चाहे छोटी हो, पर अपने दम पर होनी चाहिए। दोस्तों ये बात सच है दोस्तों, जो कुछ भी होना चाहिए आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मतलब कि आप ऐसा नहीं किसी दूसरे का उस दूसरे के दम पर आप ऐसा ना कहते हो कि ऐसा है वैसा है। और ये सब कब होगा दोस्तों? जब तुम मेहनत करोगे। अगर आप अच्छी मेहनत करोगे तो आपका नाम भी ज़्यादा अच्छा होगा, कम मेहनत करोगे तो नाम भी कम होगा। तो ठीक है, अपना नाम और पहचान बड़ी बनाने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी होगी। तो इसी के साथ दोस्तों, मैं संजय तोमर एक बार फिर आपसे यही प्रार्थना करूँगा कि दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप थोड़ा सी मेहनत कीजिए, ठीक है ना। अगर आज आपने थोड़ी मेहनत कर ली, कर थोड़ी और ज़्यादा करो, फिर और ज़्यादा, धीरे 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 दोस्तों ये मेहनत का शेड्यूल आपका बन जाएगा, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। इसी भाव और इसी विचार के साथ आज की क्लास रहेगी। और जैसे ही आपकी मेहनत करने का शेड्यूल बना, फिर आपको खुद भी पता नहीं लगेगा कब से आप 5 घंटे पढ़ रहे हो, कब से आपने 3 घंटे तक पढ़ाई करी। तो ये स्पेशली एक चार्ट बनाया गया, ये इन्फॉर्मेशन उन बच्चों के लिए है दोस्तों जिन्होंने हाल ही में 12th की, ठीक है ना, जिन बच्चों ने हाल ही में 12th की और वे ज़्यादातर सिलेबस के अकॉर्डिंग परेशान रहते, तो स्पेशली उन बच्चों के लिए है चार्ट। ये चार्ट जो लिखा हुआ दोस्तों, सारे जो भी डिपार्टमेंट है, इन सभी डिपार्टमेंट के अंदर वॉल्यूम चैप्टर मिलने वाला है, ठीक है ना। कौन सा वॉल्यूम चैप्टर मिलने वाला है ये याद रखना है आपको। तो निश्चिंत होकर दोस्तों पढ़ाई कीजिए आप, ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख लीजिए, तो कुछ हमने जो टॉपिक ख़त्म कर चुके हैं अभी तक, हम इसमें तकरीबन 6 टॉपिक ख़त्म कर चुके दोस्तों। पहले घन घनाभ किया, फिर घनाभ और घन दोनों पर आधारित बेलन, रिक्त बेलन, गोला, इस पर जो आधारित प्रश्न थे हमने किए अभी, ठीक है ना। नेक्स्ट को समझते हैं दोस्तों। अब आज देख लिया जाए तो ये घनाभ के तो टाइप हो चुका है, और अब टाइप देखते हैं आज हम तकरीबन ये, एक मिनट रुके दोस्तों, शंकु पर आधारित। तो शंकु पर आधारित बात करेंगे आज दोस्तों। अगर शंकु की बात करते हो तो पहले शंकु के बारे में समझते हैं क्या होता है शंकु। तो शंकु एक इस तरह की आकृति, जैसे लाइक है जो बर्थडे कैप आपने देखी हो, बस वो इसमें होता क्या है, एक त्रिभुज ही है, त्रिभुज के बस आधार में एक वर्त होता है दोस्तों। यहाँ पे कुछ नाम दिए जाएंगे, ये तो उसकी ऊंचाई कहलाएगी, क्या बोले जाएगा, एच, और यहाँ तक इसकी आर बोले जाएगी, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या बोला जाएगा, एल, ठीक है ना यहाँ पे एल, और एक फॉर्मूला रहेगा यहाँ पर। अगर देख लिया जाए तो ये समकोण त्रिभुज बना दोस्तों, क्या बना, समकोण त्रिभुज, ये एच आर और ये एल, तो एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ये कौन सा लगाया, पाइथागोरस लगाई दोस्तों हमने, पाइथागोरस। तो पाइथागोरस की अगर बात की जाए तो पाइथागोरस ये परिमेय जो है, पाइथागोरस परिमेय, कर्ण के स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। ये इसी के थ्रू हमने निकाला। तो एल अगर निकालना चाह रहे, स्क्वायर हटाओगे तो रूट बन जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला रहेगा एल का। तो यहाँ पर भी जैसा आपने पढ़ा, तो वही 2-3 चीज़ें यहाँ पर भी निकालनी होगी। एक तो निकालना होगा आयतन, क्या निकालना होगा आपको, आयतन। तो आयतन निकालने के लिए करना क्या होगा, आयतन के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच,
ठीक है ना। आयतन के बाद निकालना होगा आपको वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ की बात की जाए तो वक्र पृष्ठ में क्या हो सकता है, 2πRh, ये होता था गोले के लिए। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है अब, सॉरी गोले के लिए नहीं दोस्तों, ये बेलन के लिए होता था, यहाँ पर होता है πRL। और कभी कभी संपूर्ण पृष्ठ भी पूछ लेता है। संपूर्ण पृष्ठ तो क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ πRL और प्लस के πR2। तो यहाँ पे पाई और आर कॉमन ले लिया तो एल प्लस आर मिलाए, तो ये रहेगा संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। अच्छा एक बात हो रहा है दोस्तों, ये फॉर्मूले कहीं पर आपको नोट डाउन करने हैं। फॉर्मूले नोट कर लोगे तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं आज चैप्टर की। तो ये पहला क्वेश्चन दिया गया आपको, पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया, शंकु की ऊंचाई दी गई 4 मीटर, कितनी है h दे दिया 4 मीटर और r दे दिया कितना 3 मीटर। तिरछी ऊंचाई बतानी है आपको, बताना क्या है l। अगर l निकालना तो अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होगा, ये कितना होगा अंडर रूट, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो ये कितना रहा 25। तो 25 को क्या लिखोगे, 5, ठीक है। तो L पूछ रहा था तो L आपने इस तरह से निकाल दिया, जो फॉर्मूला मैंने पीछे रखा था वही देखना आपको। 8 मीटर ऊंचे और 12 मीटर व्यास के तंबू के निर्माण में कितनी चादर लगेगी, मतलब कि वक्र पृष्ठ पूछ रहा है जब भी, ठीक है ना, तंबू के निर्माण में कितनी चादर लगेगी। R बराबर तो रहेगा 6 मीटर और H बराबर रहा आपका 8 मीटर, तो L निकालनी होगी। L कैसे निकाल लेंगे, वही R का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर, तो कितना रहा, ये रहा 100, तो यानी 10 मिला L। L कितना मिला 10। तो निकालना क्या आपको, वक्र पृष्ठ। अगर वक्र पृष्ठ की बात करें तो वक्र पृष्ठ को दोस्तों SA भी बोलते हो, क्या बोलते हो SA। तो SA का फॉर्मूला क्या रहेगा आपका, पाई आर एल, कितना था पाई आर एल, पाई की वैल्यू कितनी 22/7, वैसे तो ज़रूरत नहीं, आर की कितनी है एक मिनट देख लेते हैं, आर की कितनी थी 6 और उसकी थी 10, तो सारी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी होगी। अगर चाहो तो आप ऐसे भी डायरेक्ट भी छोड़ सकते हो, तो इस तरीके से आंसर लिख सकते हो 60π, कैंसिल होता है ठीक है, अदरवाइज नहीं करना चाहते कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया गया है। 3 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर व्यास और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु का आयतन कितना होगा, तो R बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर और H बराबर है कितना 12 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन, आयतन है तो V पूछा गया, V क्या होगा 1/3πR²H, तो पाई की वैल्यू रख दीजिए, पाई की वैल्यू कितनी होगी 22/7 और R कितनी है 7×7 और × 12, 7 × 7 कैंसिल, 3×4 बस आपको मल्टीप्लाई कर देनी है। तो कितना रहेगा तकरीबन, ये 616 रहेगा, ठीक है ना, कितना रहेगा ये 616, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हुआ दोस्तों, और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक शंकुआकार तंबू के आधार का व्यास 14 मीटर है, आधार का व्यास कितना है 14 मीटर, उसकी ऊंचाई 24 है, इसके निर्माण में 2.5 मीटर चौड़ाई का कितना लंबा कपड़ा लगेगा, तो कहने का मतलब यह वक्र पृष्ठ के बराबर वक्र पृष्ठ रखना होगा बस, ठीक है ना। तो अगर ऐसा है तो सबसे पहले तो आपको करना यह है, क्या निकालना होगा, L निकालनी होगी। अब R देख लेते, तो R कितनी है, R है आपकी व्यास दिया तो 200 भाग कर दीजिए 7, H कितनी रही 12, L आप निकाल सकते हो, L का फॉर्मूला जैसे मैंने बताया था आपको क्या होगा, H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, यानी L बराबर रहेगी 13। अब 13, अब इसके निर्माण में तो कितनी लंबा कपड़ा, तो लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई कितनी 2.5, ये भी वक्र पर, यानी ये क्षेत्रफल बनना और इधर वक्र पृष्ठ, वो होगा क्या पाई, ठीक है, आर एल, आर कितनी थी 7 और एल थी 13, इससे ये काट दीजिए,
और ये बटन में पहुंचा के बस आपको कैंसिल करनी है वैल्यू। तो और उसके बाद जैसे ही डिवाइड कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट रुकना दोस्तों। यहाँ पर गलत हुआ दोस्तों, ये एल ना इतना नहीं मिलना। एक मिनट में देख लेता हूँ, पहले कुछ गलती तो नहीं हुई। गलत हो गया दोस्तों यहाँ पर, तो इसलिए दोबारा करते हैं। पता क्या गलती हुई, यहाँ पर आर तो मिला 7, ये तो ठीक है, बट एच ना, एच का भी हाफ कर दिया वहाँ पर, हाफ नहीं होना था, तो है हाफ ना होने की वजह से गलत हुआ। एल कितनी निकल जाएगी, एल वही एच का स्क्वायर 24 का 576 रहेगा। इसका रहेगा दोस्तों 49, तो ये हुआ 625, यानी 25 मिला। एल कितनी मिली आपको, 25। तो अब रखना आपको, इसे लिख दोगे 2.5 गुना बी चौड़ाई, यानी ये तो पेपर या जो भी कपड़ा था कपड़े की है, और शंकु का क्या होगा, पाई आर एल 22/7। आर कितना है, आर थी 7 और एच थी 24, ये था बस, ठीक है ना। 7 से 7 कैंसिल, पॉइंट हटाओ, सॉरी 25 रखनी है यहाँ पे, ठीक है ना, पाई आर एल होता है, तो यहाँ से हटाओगे तो 0 बढ़ जाएगी और 25 दशम, तो 220 रह जाएगा। बी बराबर कितना, 220 मीटर, ठीक है, ये रहा अंतर। अब चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या था, दो शंकु की ऊंचाई 5-8 के अनुपात में और व्यास है उनके इस अनुपात में, तो आयतनों का अनुपात क्या होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, निकाल देंगे आयतन का अनुपात। तो V1 बटे क्या रखना है आपको, V1/V2। तो V1 की अगर बात की जाए तो आयतन कितना होगा, 1/3 पाई R1 का स्क्वायर H1 बटे 1/3 पाई R2 का स्क्वायर एंड H2। 1/3 ये तो कैंसिल हो गया। R1 की अगर बात की जाए तो, एक मिनट दोस्तों थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये है क्वेश्चन, है ना। तो V1/V2, तो पाई से पाई तो कैंसिल और 1/3 तो कैंसिल ही, आपने देख ही लिया। और इनके व्यास की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर और ये थी 5, यहाँ पर कितना 8 का स्क्वायर, ये थी कितनी 8, ठीक है ना। तो अब बस थोड़ा सा कैलकुलेशन और बचा, ये कितना हुआ 9, हाँ कुछ कट तो रहा नहीं दोस्तों, 9 × 5 = 45 और बटे कितना बचा 512, यही रहा आंसर आप, 512 है दोस्तों ये, कभी आप ये लीजिए, ठीक है ना, कितना हुआ 45:5:1:2, ठीक है ना, 45:5:1:2। बेलन और गोला दोनों पर आधारित प्रश्न, बेलन और गोला दोनों पर, तो दोनों के मिक्सअप क्वेश्चन होंगे यूज, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं, आर की अगर बात की जाए यहाँ पर, बेलन का तो पता है आपको, गोले का भी पता, अगर आपने प्रीवियस क्लास देख ली तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज दोस्तों फिर आपको समस्या हो सकती है। चलिए क्वेश्चन करते हैं, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 40 सेंटीमीटर ऊंचाई के बेलन को पिघलाकर एक गोला बनाया, गोले की त्रिज्या क्या है, कोई प्रॉब्लम, दोनों का आयतन बराबर रख दो जब भी पिघलाने की बात हो, ठीक है ना, या पानी की बात आती हो, तो आपको हमेशा आयतन निकालना है, ये याद रखना होगा दोस्तों आपको। तो करना क्या है आपको, यहाँ पे हमें करना ये है, आर कितना दिया यहाँ पे, गोले का आयतन रख दीजिए 4/3 पाई आर क्यूब, और इधर क्या लिखोगे आप, बेलन है ना, तो पाई आर स्क्वायर, तो 3.5 का स्क्वायर और ये रहा 40, तो जो कैंसिल हो सकता है कर दीजिए,
यहाँ से ये कितना हुआ 10। आर क्यूब बराबर कितना है, ये है 3.5 का स्क्वायर, कितना है 3.5 का स्क्वायर, तो ठीक है ना, आर क्यूब बराबर। तो अब आपको ध्यान से सोल्व करना दोस्तों, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, पर फिलहाल अगर आपको कोई भी परेशानी ऐसा लगता है, जैसे मैं इसकी मल्टीप्लाई लिख देता हूँ मैं करने के बाद, यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई कितना होगा, 3 × 12, 12 × 25 तो मिला ही है 12.25, और ये हुआ 30 हो रहा है मल्टीप्लाई में। इधर से अगर क्यूब हटाओगे आप तो आर मिल जाएगी सॉरी दोस्तों, 1 × 0.3515 6 × 7 और 3 × 2 = 6 और 3 × 3 पॉइंट रहेगा यहाँ पर, ये मिल जाएगा, बस यहाँ पर घनमूल बना देना, और ये मिला आपका आंसर दोस्तों, ठीक है ना, क्या मिला ये आंसर। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था। नेक्स्ट पर चलते हैं, देखते हैं दोस्तों क्या करना है अब हमें। यहाँ पर कहा गया 14 सेंटीमीटर व्यास के गोले को विलगित बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, मतलब इस बात को थोड़ा सा समझना होगा। यहाँ पर क्या है, 14 सेंटीमीटर व्यास के परिगत, ठीक है, परिगत बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, परिगत बेलन का आयतन निकालना, तो आपको ये समझ में आनी चाहिए बात कहना क्या चाह रहा हो दोस्तों। तो समझे बात को क्या कहना चाह रहा हो, अगर आपको ये पता फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज ये नहीं पता तो फिर आपको समस्या होने वाली। देखो एक गोला है कुछ इस तरह का, इसमें से ही हमने एक बेलन निकाला गया, ठीक है ना, क्या निकाला गया, बेलन। अब बेलन निकालने के साथ ये कंडीशन रखनी है आपको यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना है, ये है 14 सेंटीमीटर, कितना है 14 सेंटीमीटर। अगर ये 14 सेंटीमीटर है और आर तो मैं ये सॉरी आर कितनी हो जाएगी 7, अगर ये 14 था तो गोला तो पूरा ही होता है, तो ये 14 ही रहेगी, एच पूरी रहेगी आपकी वैल्यू। तो यहाँ पे क्या हुआ, आर इक्वल टू तो रहा 7 एंड एच इक्वल टू मिला 14। तो यहाँ पे अगर देख लिया जाए आयतन है तो गोला ही है, तो गोले का पाई आर स्क्वायर आई पाई की वैल्यू लिख दोगे 22/7, 7 × 7 × कितना रहा 14, 7 से 7 कटा, अब ये कितना हो गया, तो यहाँ पे देख लीजिए कितना हुआ, ये रहा 22 × 7 × 14, तो इसकी अगर गुणा करोगे आप, ये होगा 7 × 14 = 154, तो ये 21/156 रहेगा, कितना रहा 21/156, तो ये आंसर आपका रहा यहाँ पर, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर किसी गोले का आयतन उसके परिगत बेलन के आयतन के का अनुपात क्या है, गोले का आयतन उसका अनुपात और बेलन के परिगत उसके आयतन का अनुपात, तो ठीक है निकाल लेते हैं। तो बेलन का आयतन क्या होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो पहले किसकी गोले की बात करी तो गोले का आयतन रखोगे, गोले का आयतन क्या होगा 4/3 πr³, ठीक है ना, यानी स्पेयर था ऐसे रखा, और उसके बाद क्या था, स्पेयर था ऐसे रखा, और उसके बाद क्या था, उसके बाद था बेलन के आयतन, और ये था, ये तो क्या हो गया स्पेयर, ये हो गया सिलेंडर, ठीक है ना, और बटे में क्या लिखोगे इसका आयतन, तो इसका आयतन क्या रहेगा पाई आर स्क्वायर, आर की जगह बस 2r रहेगी, आर की जगह कितनी रहेगी 2r, तो ये कितना हुआ पाई से तो पाई कैंसिल, 4r³/3 यहाँ पर कितना हुआ 2r³, तो इससे काटते 2, तो 2:3 का आंसर रहा, कितना 2:3 का। यहाँ तक बताइए अगर कोई प्रॉब्लम है आपको, ठीक है ना।
अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोला एक बेलन की त्रिज्या है, एक गोले और एक बेलन की त्रिज्या है और संपूर्ण परत समान है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। कर देंगे दोस्तों, जैसा कहा गया बस ऐसा ही तो करना है। तो कहा यह गया गोले का संपूर्ण परिष्ठ क्या होता है, गोले का पाई आर स्क्वायर, इसका क्या होता है टू पाई आर आर प्लस एच, ठीक है ना। तो टू आर तो एज इट इज, यहाँ पर आर प्लस एच रहा तो यहाँ आर घट जाएगा, आर इक्वल टू कितना रहेगा एच, आर इक्वल टू कितना रहा एच। अगर आर इक्वल टू इतना रहा यहाँ पर एच, यहाँ पर पूछा गया गोले और बेलन की ऊँचाई अनुपात, गोले की ऊँचाई तो कितनी है टू आर, इसकी कितनी है एच, तो दो आर बटे आर काट दिया, यहाँ हमें कितना मिला एक दो बटे एक, ठीक है ना, कितना रहा दो बटे एक, यह आपका आंसर रहा। चलिए दोस्तों चलते हैं गोले और शंकु पर आधारित, दोनों पर आधारित देखते हैं आज क्वेश्चन, ठीक है ना। तो समझते हैं क्या कहा गया, देखिए एक मिनट दोस्तों, ये दिया गया क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कहा क्या गया, 14 सेंटीमीटर व्यास के एक गोले से 7 सेंटीमीटर ऊंचाई के अधिकतम आयतन का शंकु बनाया जाता है। तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए, तो जाहिर सी बात है इसके आयतन से ये बनाया जा रहा, तो दोनों है ना, तो दोनों करने क्या होंगे इक्वल रखने होंगे आपको, तो जाहिर सी बात है अदरवाइज वैसे तो इक्वल रखने की बात तो है नहीं। व्यास कितना था 7 सेंटीमीटर, तो अगर व्यास 7 है तो आर कितनी हो जाएगी 7, ठीक है ना, आर कितनी रही 7, और एच की बात करें एच भी यहाँ पे 7 ही हुई, फिर एच कितनी रही वो भी 7 ही, तो ठीक है ये आया ना कॉन्सेप्ट समझ में। अगर ऐसा है तो अब करना क्या है, अब यहाँ पर करना है आयतन, तो आयतन का फॉर्मूला क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 7 का स्क्वायर इंटू 7, ठीक है ना। तो जब इसे सोल्व करोगे आप ये मिल जाएगा आपको 359 सही 1/3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या कहा गया, एक अर्धगोला और एक शंकु के आयतन 1:1 बने यदि शंकु की ऊंचाई के आधार के व्यास के बराबर हो। अर्धगोला तथा शंकु के व्यास का अनुपात ज्ञात कीजिए, अर्धगोला व शंकु के अनुपात का व्यास ज्ञात कीजिए, ठीक है कोई बात नहीं। इसमें जैसा कहा गया ऊंचाई व्यास के बराबर है बस और कुछ नहीं, ठीक है ना। अर्धगोले का आयतन क्या होगा 2/3 पाई आर 1 क्यूब, सॉरी दोस्तों, और यहाँ पे कितना 1/3 पाई आर 2 स्क्वायर 2 आर 2, ठीक। तो यहाँ पे क्या मिला आपको आर 1 क्यूब, ये कितना मिला आर 2 क्यूब, तो ये रहा कितना आपका 1/1, तो आर 1/r2 कितना रहेगा 1:1 का आंसर रहा, तो ठीक है कोई प्रॉब्लम तो आई नहीं होगी आपको, जैसा कहा गया उसके अकॉर्डिंग काम करना है। क्वेश्चन आज इसी तरह की वजह से दोस्तों परेशान रहते हैं बच्चे, ध्यान देते नहीं बस बात पर, समझते हैं नहीं, खाता निकालते रहें फिर टीचर की। अच्छा, एक गोले के व्यास तथा एक शंकु की ऊंचाई 1:2 में है, यदि दोनों के आयतन समान हो तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। आयतन समान है ऐसा कहा गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो अगर आयतन समान है तो निकाल लेते हैं, आयतन समान है तो रखिए ना, किसकी बात है गोले की, गोले का कितना होगा 4/3 पाई आर 2 क्यूब, तो इसका कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर आर 2, एक काम करना हो दोस्तों यहाँ पर ये इसकी जो x, अगर से x लेट कर लो तो यहाँ पर भी ये हो जाएगा x, ठीक है, तो इससे से काट दीजिए, तो यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर सारा सोल्व करने के बाद यहाँ पर मिला हमें
एक्स क्यूब बटे दो, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या मिला, आर क्यूब बटे टू एक्स, एक एक्स से, ठीक है ना, एक एक्स कटा, इसे इधर लेते गए। यहाँ पर सारा टोटल हेर फेर करने के बाद कितना मिला, त्रिज्या का अनुपात 1:1 ही मिला। तो ये भी इसकी त्रिज्या, ये भी इसकी त्रिज्या, तो 1:1 मिला। कोई ज़रूरत नहीं है और सोल्व करने की, यहाँ पर बेवजह परेशान कर रखा, ठीक है ना। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, शंकु और बेलन दोनों पर आधारित प्रश्न। तो यहाँ पर कहा क्या गया, एक शंकुआकार बर्तन की भीतरी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी 50 सेंटीमीटर, यह किसी तरल पदार्थ से भरा है, यह तरल पदार्थ 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलनाकार बर्तन में उलट दिया जाता है, बर्तन में तरल पदार्थ की ऊंचाई कितनी होगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जाहिर सी बात, करना क्या, आयतन बराबर रख दीजिए बस, और कुछ नहीं है। किसका आयतन, बर्तन भरा हुआ तो शंकु के आयतन के बराबर रख दीजिए। कितना रहा पाई आर, कितना है 10 का स्क्वायर इंटू एच, तो कितना हो गया पाई 3, ये हो गया आर 144 गुना कितना 50, यहाँ पर कितना हो गया 2 पाई से पाई कैंसिल। तो यहाँ पर अगर देख लेते तो 6 से ऐसे काट दीजिए, 6 बराबर कितना होगा, काट दी, चलो इससे 2 से काट दो, और क्या, ये कितना 2 × 7 = 14 है ना, 2 × 2 = 3 × 3 = 36 नहीं, 24 तो अगर देख लिया जाए दोस्तों तो इसका आंसर रहेगा 24, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर लिखा गया एक बेलन और शंकु के आयतन 3:2 में है, यदि उनकी त्रिज्याओं का अनुपात यह है तो ऊंचाइयों का अनुपात क्या है। ठीक है, एज इट इज करना आपको, बस जैसा कहा गया V1 and V2, ये तो है, ठीक है ना, ये हो गया पाई 3 r² × h1, यहाँ पर क्या रहा 1/3 पाई 4 r² h2, पाई से पाई घंटे। तो यहाँ पर अगर देख लिया जाए सोल्व करने के बाद h1/h2 ठीक, तो यहाँ पर h1/h2 तो कितना रह जाएगा दोस्तों, यहाँ पर भी 8:9 आपका कैंसिल होने के बाद रह जाएगा, बस थोड़ा सा ध्यान रखना आपको, ठीक है ना, एक बार देख लीजिएगा और आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। समान व्यास और समान ऊंचाई के एक बेलन और शंकु और गोले, तीनों के आयतन का अनुपात क्या होगा। ठीक है, आयतन को रख दीजिए, तो कितना हो गया यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ पर कितना 4/3 पाई आर क्यूब, ये तो होता है रियल में। अब करना क्या है, जैसा कहा गया पाई आर स्क्वायर एच, एच कितना होगा 2 r, अब कितना होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर 2 r, और ये कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब, इससे ये और इससे ये काट दिया, तो ठीक है। तो यहाँ पर रेशो कितना मिला, 3, 1 और 2 का रेशो मिला, बस ये सोल्व करना, ठीक है ना। और देखते हैं कुछ क्वेश्चन, अब गोले और घनाभ पर आधारित भी कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, तो 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। तो ये रहा दोस्तों आज का, किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई तो उसमें रखे जा सकने गोले का प्रस्थ कितना होगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जाहिर सी बात, एक गोले के प्रस्थ में भाग दे दीजिए। अच्छा, इसमें अगर देख लेते हैं बड़े से बड़ा गोला कौन सा बनता है, 14 सेंटीमीटर का, तो आर कितनी रहेगी 14 सेंटीमीटर, तो बस ठीक है 14 मीटर है दोस्तों, तो कोई प्रॉब्लम नहीं।
तो उसका कितना था, उसका जो रखे जा सकने वाले बड़े से बड़े गोले का इतना, ठीक है, तो 14 रहेगा ना, 4 पाई r स्क्वायर, r की जगह कितना है, 14 ही है दोस्तों। अब स्क्वायर, तो अब सारी वैल्यू सोल्व करने के बाद कितना मिल जाएगा, 616, यानी 4 तो ये पाई की वैल्यू 22/7, और 14 × 14 आपने लिखा, ठीक है ना, तो 7 × 2 = 14, बस गुणा करनी है अब आपको। यहाँ पे अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 14 मीटर व्यास विमा के घनाकार टंकी में रखे जा सकने वाले बड़े से बड़े गोले का आयतन व पृष्ठ क्या होगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अगर जितनी टंकी है इतना ही गोला है वो घनाभ है, तो फिर तो व्यास का काम करेगा ये, है ना। तो आर कितनी रही, 7, आर 7 रही, तो दोनों का आयतन और दोनों निकाल लेना पृष्ठ, आयतन कितना रहेगा, 4/3 πr³, पाई की वैल्यू 22/7, और ये कितनी होगी आपकी, 7 × 7 × 7, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे कितना रहा, 1437 सही 1/3, 1437 सही 1/3, और ये हो गया वी वॉल्यूम, और ये क्या है, ये है पृष्ठ, ये है एस ए, एस ए का मतलब क्या होगा, 4 πr² कितना रहेगा, 4 πr, 4 × 22/7, ये कितना हो गया, 7 × 7, तो ये तो 616 मिल ही जाएगा। तो बस आपके दो आंसर आने थे, वो मिल चुके, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं दोस्तों। एक घन में उसके प्रत्येक सतह को छूता हुआ एक गोला रखा गया है, तो घन और गोले के आयतनों का अनुपात क्या होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो जाहिर सी बात है, अब जो आर है तो आयतन निकाल लेने, V1/V2, अब देखना है कि जो इसकी बस जो व्यास होगा वही, मतलब कि अगर वो बिल्कुल टच कर रहा है सभी सतह को इस तरीके से, तो यही इसकी भुजा आर, तो इसके लिए ठीक है ना, तो भुजा क्या रहेगी, 2x, अगर आप लेट करना चाहिए तो आर होगी ये। तो आयतन क्या है, पहले किसकी बात, घन की, तो घन की तो होगी 2x³, और गोले की अगर बात करें तो π/4/3 πr³, ठीक है। अब सोल्व करने के बाद सारा क्या मिलेगा, 21:11, क्या मिला, 21:11 आपका आंसर मिला, ठीक है। छिन्नक, अब छिन्नक समझना है दोस्तों, छिन्नक एक शेप होती है, और शेप की खास बात यह है, छिन्नक की भी अगर कैसी किस तरह की शेप है, अगर बाल्टी जो है आपकी, जो बाल्टी है, बाल्टी की कटी हुई शेप, ये छिन्नक होता है दोस्तों। तो एक वर्त यहाँ होता है और एक होता है वर्त यहाँ पर, इसकी त्रिज्या अलग अलग होगी, इसकी r1 और इसकी कितनी होगी, r2। तो एस ए, अगर वक्र पृष्ठ देख रहे, एस ए ऐसे कितना, π r1 + r2 × l, यहाँ तो ये हुआ। एक आयतन अगर निकालना, वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए क्या रहेगा, π r1² r2² और प्लस के r1 r2 h, और बटे में कितना रहा, 3, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। तो एस ए कैसे, टोटल एस से, तो टोटल टी एस से की अगर बात की जाए, तो यहाँ पे पाई, यहाँ पे ये फॉर्मूले अच्छे से नोट कर लेने दोस्तों, आपको अगर फॉर्मूले नहीं नोट करें तो आपको प्रॉब्लम होगी, r1² + r2² ये डायरेक्ट, ठीक है ना। छिन्नक के 3 फॉर्मूले हैं और मैंने आपको सभी बता दिए। तो इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक छिन्नक के दोनों सिरों पर कि त्रिज्या 7 कितनी है, यहाँ पर ये 7, ये 14, और ऊंचाई है 8, तो ठीक है, सब कुछ दिया गया। उसका वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए, वक्र पृष्ठ का किस तरह से फॉर्मूला, एस ए निकालना है, एस क्या होता है, π 7 + 14, और ये कितना रहा, ये रहा 8, तो 22/7 वैल्यू रख दीजिए, चाहे काटना चाहो काट लो, नहीं काटना चाहते कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर पाई एज इट इज, इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे 168,
तो कितना मिला 168 पाई। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसी के साथ आए एक आवश्यक सूचना आपके लिए। सूचना यह है दोस्तों कि हमारे इसी चैनल पर करंट अफेयर्स की क्लास भी होती है पर डे। करंट अफेयर्स की क्लास कौन सी? एक तो होती है दोस्तों हिंदी में और एक होती है ये इंग्लिश में, दोनों भाषाओं में। हिंदी की अगर क्लास 4 AM से आपको मॉर्निंग में स्टार्ट हो जाती है, ये होती है 5 AM से मॉर्निंग में स्टार्ट। तो ठीक है, इसी के साथ दोस्तों ये करंट अफेयर्स आपके। और दूसरी बेनिफिट ये है कि ये शॉर्ट वीडियोज है दोस्तों, और शॉर्ट वीडियोज का बेनिफिट इतना हुआ कि 1 मिनट में आपकी करंट अफेयर तैयार। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं संजीत तोमर एक बार फिर विदाई लेता हूँ आपसे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी निरंतर जारी रहे। कब तक दोस्तों? जब तक ज्वाइनिंग लेटर हाथ में ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।